मॉर्निंग राउंडअप में आपका स्वागत है और आज की शो की शुरुआत हम करेंगे खास एक्सक्लूसिव खबर के साथ, जहां पर हम जानते हैं कि एनसीडीएक्स अपने कॉफी के वादा को यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। हमारे साथ एनसीडीएक्स के एमडी एंड सीईओ अरुण रास्ते हैं। अरुण जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया शो पे जुड़ने के लिए और मेनू कंग्रेचुलेशन। एक नया यहां पर वायदा आप शुरू करने जा रहे हैं और कॉफी की तो दिन की शुरुआत ही यहां पर होती है और आई एम श्योर कि कॉफी कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी यहां पर दिन की शुरुआत होनी चाहिए लोगों की। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ऑफकोर्स अगर ये साल मुड़ के देखें अरुण जी, तो बहुत बेहतरीन नहीं रहा है कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए, लेकिन एक नई कमोडिटी का लॉन्च हमेशा एक चीयर लेके आता है और वो भी अगर कॉफी हो। कैसे देखा है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये साल और कॉफी क्यों चुना? मनीषा जी थैंक यू। जैसे आपने कहा, ये साल तो बड़ा चैलेंजिंग रहा है, बट वोलेटिलिटी जो होती है कभी ना कभी उसका भी एंड होगा या कम होगी, तो गोइंग फॉरवर्ड वी होप कि अगले साल, मतलब इस साल जो हमने देखा वो अगले साल नहीं हो जी। और जैसे कि आपने कहा कि कॉफी दिन की शुरुआत करती है, कॉफी दिन के लिए मतलब तरोताजा करती है, तो मार्केट को भी शायद कॉफी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कमोडिटी मार्केट को भी तरोताजा करेगा, ये हमारी उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ हम इस कॉफी कॉन्ट्रैक्ट को 30 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। जी, इट्स अ मेजरली ऑफ कोर्स साउथ इंडियन मार्केट है और आप शायद कर्नाटका में भी होंगे, कुशाल नगर में यहाँ पर एक डिलीवरी सेंटर है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल मार्केट, कहाँ से आपको लगता है मेजर पार्टिसिपेशन आता हुआ नजर आएगा? देखिए, कॉफी इज नॉट अ साउथ इंडियन मार्केट। अगर आप कॉफी देखेंगे दुनिया भर में तो दो तरह की कॉफी होती है मेजरली, एक रोबस्टा होती है, एक अरेबिका होती है जी। तो अरेबिका जो है यूएसए आइस में ट्रेड हो रही है और रोबस्टा जो है आइस यूरोप में ट्रेड होती है। अब आइस यूरोप में रोबस्टा जो कॉफी है, वीट और कोको के बाद थर्ड लार्जेस्ट कमोडिटी है। कॉफी की सप्लाई चेन ऐसा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये कॉफी सप्लाई करते हैं, डेवलप कंट्री कंज्यूम करते हैं। अगर आप मेजर प्लेयर्स देखेंगे दुनिया भर में तो सबसे बड़ा प्लेयर है ब्राज़ील, उसके बाद आते हैं कंट्रीज लाइक वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, होंडुरस और सातवां नंबर हिंदुस्तान का आता है। हम लोग करीब 8,200 टन कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं आज की तारीख में और इसमें से करीब 70% तो एक्सपोर्ट होती है, दैट इज़ नंबर वन। दूसरा, जो हमारी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि साउथ इंडिया में इसको प्रोड्यूस करते हैं 71% ऑलमोस्ट जो हमारी कॉफ़ी होती है उसका, तो 71% कर्नाटका में होगा, अराउंड 21% एडजॉइनिंग एरियाज जो केरला का है वहाँ है, करीब 5% तमिलनाडु में है। बट आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने हमें यह कहा है कि मणिपुर में जितनी भी कॉफ़ी होगी वो पूरा का पूरा जापानीज लोग खरीद लेंगे। आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उड़ीसा में, आंध्रा में भी कॉफ़ी प्रमोट कर रही है। तो ये जो मतलब पुराना हमारा ख्याल कि सिर्फ साउथ इंडिया में कॉफ़ी होती है, बहुत जल्दी चेंज होने वाला है और इसके दो कारण हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि कॉफ़ी ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट कमोडिटीज़ है और इंडिया में भी कॉफ़ी पीने का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। देखिए, अगर आप दिल्ली या मुंबई या किसी जगह जाएंगे, स्टारबक्स जाएंगे, बरिस्टा जाएंगे, तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, जनरेशन वाई और जनरेशन जेड, आराम से बैठ के 200-300 रुपए देके कॉफी पीते हैं। दैट्स अ ट्रेंड नाउ। चाय पीना कम हो गया, लस्सी पीना कम हो गया, कॉफी पीना बढ़ गया, तो दैट इज अ ट्रेंड। इसलिए कॉफी तो वी होप दैट, जैसे आपने कहा, मार्केट के लिए चेयर लेके आएगा, कमोडिटीज मार्केट के लिए चेयर लेके आएगा और हम सबके लिए चेयर लेके आएगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा वनीला कॉफी, हेजलनट एंड कैपेचिनो एंड जी हाँ, देर इज अ 20 टाइप ऑफ कॉफीज। अगर आप किसी बेसिक रेस्टोरेंट में भी चले जाएं तो क्लियरली द ट्रेंड यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। एक और बात, यू नो, इनिशियली हम ऐसे बात करते थे कि कोई कमोडिटी है तो उसके इंडियन इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर क्या चिंताएं हैं, लेकिन जैसा हमें पिछले एक साल ने सिखाया है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वेदर ब्राज़ील में क्या है उससे हमारी फसल को या हमारी प्राइसेस को फर्क पड़ता है, डिमांड को फर्क पड़ता है। कैसे देखते हैं आप इसे और आपको लगता है इंडियन ट्रेडर हेजिंग के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस के हिसाब से अब यहाँ पर पर्याप्त है? देखिए, हम लोग कहते हैं कि ये दुनिया ग्लोबल मतलब विलेज हो गई है और ग्लोबल विलेज होने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये है कि हमें ये पता चलता रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। नुकसान ये है कि दुनिया में अगर कहीं भी कुछ होता है एंड इफ द सप्लाई चेन्स आर इंटरलिंक्ड, यहाँ पर उसका नुकसान होता है। जैसे यूक्रेन और रशिया बहुत दूर है हमसे, उन दोनों का आपस में वॉर हुआ, सनफ्लावर ऑयल इंडिया में आना बंद हो गया। तो जो जियोपॉलिटिकल रीजन होते हैं, जो जियोग्राफिकल रीजन होता है, अब ये कह रहे हैं कि ला नीना और एल नीनो का जो इम्पैक्ट पहले हिंदुस्तान में सिर्फ होता था, अब लैटिन अमेरिका में जो इम्पैक्ट हो रहा है उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होगा क्योंकि वहां पर सोयाबीन कम आएगा। किस्मत से हमारे यहाँ सोयाबीन इस साल बहुत अच्छा आने की उम्मीद है, तो शायद मतलब हमें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी लास्ट ईयर हुई थी। बट
जो आपने हेजिंग का क्वेश्चन पूछा, देखिए रिस्क हेज करना हर एक के लिए बहुत जरूरी है, whether it is a trading risk, whether it is individual risk. आप अपनी लाइफ की रिस्क को लाइफ इंश्योरेंस लेके हेज करते हैं, उसी तरह किसी ट्रेडर को, किसी प्रोसेसर को, किसी इंपोर्टर को, किसी एक्सपोर्टर को रिस्क हेज करना जरूरी है. और उस रिस्क हेज करने के लिए कमोडिटीज में स्पेसिफिकली हमारे ऐसे एक्सचेंज आपको मदद करते हैं. तो वी सी गोइंग फॉरवर्ड जितने भी नए लोग आ रहे हैं वो रिस्क को समझते हैं, रिस्क को हेज करने की अहमियत समझते हैं, और दे विल कम ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक द एक्सचेंजेस जिससे अपने रिस्क को हेज करें, और ताकि मतलब एक तो उनको नुकसान नहीं हो और दूसरा रिस्क मैकेनिज्म और प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म का फायदा उठा सकें. जी हाँ, यू नो अरुण जी, बाजार में एक जोक चलता है कि अगर आप कोई कमोडिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक को भी ले लेना चाहिए. तो अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो कॉफी स्टॉक भी ले सकते हैं, अपने कॉफी के भाव आगे जाके हेज भी कर सकते हैं. तो ये थ्री वे बन जाएगा आपकी कॉफी के लिए. पर अरुण जी, एक और चीज, जब हम रिस्क हेज करने की यहाँ पर बात करते हैं और काफी वॉलिटिलिटी हमने इस साल प्राइसेस में आते हुए देखी है, हम अवेयरनेस भी करते रहते हैं, CNBC आवाज और NCDX ने भी यहाँ पर काफी प्रोग्राम्स किए हैं. आशा यही होती है कि जो कारोबारी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो इस वॉलिटिलिटी में कहीं नुकसान कर बैठे, वो एक है जिनको एक अवेयरनेस यहां पर बाजार में आए. तो कैसे देखा है आपने पिछला एक साल, क्या कुछ और उम्मीदें रख सकते हैं NCDX से आने वाले एक साल के लिए, क्या कुछ पार्टिसिपेशन, क्या कॉन्वर्सेशंस हैं आपके रेगुलेटर्स के साथ इन सब को लेकर? देखिए पिछले एक साल ने हमें एक चीज ये सिखाई है कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज होती है, पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटीज होती है, उनमें सस्पेंशन आने की गुंजाइश होती है जी. पर देर आर लार्ज कमोडिटीज जो पॉलिटिकली इतनी सेंसिटिव नहीं होती है, प्राइस कॉन्शियस हाउसवाइफ के लिए इतनी मतलब सेंसिटिव नहीं होती है, जैसे कि हम कॉफी अभी लॉन्च कर रहे हैं. तो इन कमोडिटीज पे हमारा थोड़ा फोकस अब बढ़ने वाला है. हम ऐसी कमोडिटीज लॉन्च करेंगे जो हाउसवाइफ के बजट को डेली बेसिस पे पिंच नहीं करें, लार्ज मतलब कमोडिटीज हों. हमने रिसेंटली स्टील लॉन्च किया है. अब स्टील वन ऑफ द ग्लोबल मतलब ग्लोबली अगर देखा जाए तो बड़ी कमोडिटीज में आती है. स्टील कॉन्ट्रैक्ट हमने लॉन्च किया, जस्ट पिछले वीक हमारी फर्स्ट डिलीवरी हो गई है स्टील कॉन्ट्रैक्ट में. तो हमारे लिए वो होपफुली बड़ा सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बहुत बड़ी कमोडिटी है, हर जगह इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका. दूसरा ऐसे हमने अभी कॉफी लॉन्च किया. इसी तरह की कुछ और कमोडिटीज हमारी लॉन्च करने का इरादा है. डेफिनेटली जो हमारी लार्ज कमोडिटीज पहले थी जो एक साल पहले सस्पेंड हो गई है, हमें उम्मीद है कि जब एक साल का पीरियड खत्म होगा दिसंबर में, जैसा मैंने कहा सोयाबीन के इंडिया में इस साल बंपर मतलब पैदाइश होने की उम्मीद है. चना आप देख ही रहे हैं कि जो MSP से कंटिन्यूसली नीचे चल रहा है. तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो सस्पेंशन हुए थे पिछले साल वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे और उसके बाद बाजार में इन कमोडिटीज को ट्रेड करने की इजाजत मिल जाएगी. एब्सोल्युटली, एक्चुअली यही एक आस्क है जो हमने काफी हद तक इंडस्ट्री से आता हुआ देखा है. एसोसिएशंस ने भी इसकी गुहार लगाई है, काफी सारी चिट्ठियां लिखी गई हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री को, क्योंकि भाव ऑलरेडी यहाँ पर 30-50% कई कमोडिटीज के गिर गए हैं और जो नई फसल की आवक है वो यहाँ पर अक्टूबर में और भी तेजी से शुरू हो जाएगी. तो किसानों के लिए क्या भाव है, हेजिंग कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात रही है. क्या आपकी भी कोई बातचीत रही है, आपसे इंडस्ट्री किस तरह से रूबरू है? देखिए जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो हमारे पास भी आते हैं, हमारे रेगुलेटर के पास भी आते हैं, सरकार के पास भी आते हैं. हमने कुछ स्टडीज करवाई थी इसके ऊपर, एक स्टडी हमने खुद ने की एक इंटरनली और दूसरी हमने एक प्रोफेसर हैं IIM की प्रोफेसर निधि अग्रवाल, उनसे हमने एक स्टडी करवाई थी इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंशन. तो दोनों जगह हमें यह पाया गया है कि इम्पैक्ट का इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं था. इनफैक्ट जो फ्यूचर प्राइस थे उनका स्पॉट मार्केट से कोई लेना देना नहीं था. फ्यूचर प्राइसेस आर जस्ट मैसेंजर, जो आज से चार महीने बाद क्या प्राइस होंगे वो इंडिकेशन हम देते हैं. आज का स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस का मतलब उसको सेट नहीं करते हैं. तो ये बड़ा क्लियरली इन स्टडीज में आया है. तो हमें उम्मीद है कि रेगुलेटर और गवर्नमेंट दोनों इन स्टडीज को देखेंगे, इम्पैक्ट को देखेंगे और आज की प्राइसेस को देखेंगे. इन एडिशन टू दैट कि जैसे मैंने कहा जो बंपर क्रॉप्स आ रही है उनको देखते हुए आज की तारीख में इंदौर में सोयाबीन, इंदौर रीजन में सोयाबीन जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है, वहाँ 3,500 और 4,000 के रेट मिल रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है और लोकल जो आड़तिया होता है वो किसानों को बड़ी आसानी से फ्लीस कर सकता है क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कहीं दूसरी जगह किसान बेच नहीं सकता. तो इन सब को लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट एक हमारी जो फ्यूचर्स मार्केट है इसको स्ट्रेंथन किया जाए, इसको एनेबल किया जाए और इसे जल्दी से जल्दी सस्पेंशन विड्रॉ किया जाए. एब्सोल्युटली, और यही काम काफी हद तक इंडस्ट्रीज, ब्रोकरेजेस, सभी की तरफ से वो एक वन वॉइस आती हुई नजर आई है कि आप सर्वेलेंस कीजिए, आप और बड़े स्टेप्स यहाँ पर लीजिए, लेकिन सस्पेंशन क्लियरली एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर बाजार को डिस्टर्ब करता है. जैसे अरुण जी ने कहा, काफी सारे चैलेंजेस रहे हैं लेकिन लर्निंग्स भी इस साल से काफी सारी हैं और एक नया चीयर वो आज हमारे साथ यहाँ पर लेके आए हैं कॉफी लॉन्च के साथ. अरुण जी, बहुत बहुत बधाई आपको एंड होपिंग दैट ये एक लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बहुत बेहतरीन करेगा. बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ समय निकालने के लिए भी.
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।